चमोली के सुनार गांव में तब अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां पर चोरों ने मंदिरों का ताला तोड़कर लगभग लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरों को अब पुलिस का भी कोई डर नहीं। मामला गैरसैंण नगर मुख्यालय के साथ लगे धारगेड़ी और सुनार गांव का है, जहां चोरों ने तीन मंदिरों और साथ ही एक घर का ताला तोड़कर सोने के जेवर और चांदी के छत्र को उड़ा कर ले गए। वहीं मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़ कर भी नकदी पर हाथ साफ कर गए। 2 बजे के बीच हुआ है और इसमें से जैसे मंदिर के पुजारी जी बोल रहे हैं कि 28 छतर थे हमारे पुराने जमाने से, जिस पीढ़ी पुस्तानों से अभी से नहीं पहले ही से हैं, वो सब इकट्ठे किए हुए थे, वो वहीं रखे थे मंदिर के पीछे। तो 28 तो छतर हुए, कुछ उसमें से पैसे भी थे, धनराशि 5-10 हज़ार का ऐसे ही लगभग ऐसे ही हो रहा होगा। और एक हार तो मेरे ख्याल से वैसे था, वो नकली तो असली तो नहीं था, लेकिन उसको भी ले गए वो। शिव मंदिर के पुजारी राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि रात के समय जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां चढ़ावे के सभी छत्र गायब थे। दुर्गा मंदिर के भी 28 छत्र गायब थे। उसी गांव की देवी के मंदिर से भी देवी की मूर्ति, सोने का हार और सिंहासन यहां से गायब था। इतना ही नहीं, चोर गैर निवासी दिनेश सिंह के घर से 5 लाख और जेवर भी उड़ा ले गए। उत्तराखंड देवभूमि में आए दिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक ऐसे मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए कदम उठा पाता है।